भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बिहार में प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार की यात्रा करेंगे। इस क्रम में राहुल गांधी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान एवं कटिहार में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आमजनों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इस यात्रा में भागलपुर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला भारत जोड़ो यात्रा तो आपको पता है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सम्पन्न हुआ। फिर दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब शुरू हुआ है 14 जनवरी को, जो मणिपुर से मुंबई तक जाएगा। और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, बिहार वासियों के लिए, कि वह किशनगंज, मणिपुर से होते हुए किशनगंज आएंगे, किशनगंज से अररिया में रात्रि विश्राम होगा, उसके बाद वो रंगभूमि मैदान पूर्णिया में उनकी आम सभा होगी, जो कि आपको देख कर आश्चर्य होगा कि इतने लोग उत्साहित हैं। जो मैं पूर्णिया गया था, काफी लोग उत्साहित हैं। वही विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी को मंदिर दर्शन से रोकना एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा में किए गए हमला की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया, जिसका जवाब असम की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को देगी। और देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने क्या किया, एक तो आदरणीय राहुल गांधी जी को पहले तो यात्रा करने पर रोकने का प्रयास किया, मंदिर में जाने से उनको रोका गया, उसके बाद वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर अटैक किया गया, घायल हुए वो। तो ये आश्चर्य है, इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये असम के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ है, अगर यहां प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद रामनवमी के अवसर पर किया जाता तो बेहतर होता, लेकिन उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की चुनावी जल्दबाजी थी। या जैसे लगता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हमारे यहां चलिए मेरे मंदिर में राम भगवान का फोटो आज से नहीं है, राम भगवान का सब जगह मंदिर और सब लोग पूजा करते हैं, कोई आज नई बात है ही नहीं। लेकिन आप क्या पढ़े, राम लल्ला कि वहाँ पे स्थापना की। राम लल्ला का मतलब होता है कि राम जी जहाँ अयोध्या में पैदा लिए छोटा, इन्होंने मूर्ति लगा दिया। अभी आप देखते जाइए, लोग का शंकराचार्य का विरोध आ रहा है, यह तो चुनावी। और आप बता दें, अगर यही करना था, उनका स्थापना करना था हमारे आदरणीय राम भगवान का, तो रामनवमी के दिन होना चाहिए। ये पहले क्यों कर रहे हैं, रामनवमी से अच्छा दिन कुछ नहीं हम लोग उसको मनाते हैं। इसलिए ये चुनावी है, जनता सब समझ रही है, लेकिन आपको बता दें ये मंदिर और मस्जिद ये दोनों इशू नहीं है। इशू है देश कैसे विकास करेगा, देश में युवकों कैसे रोजगार मिलेगा, महंगाई कैसे रुकेगा, गैस का कीमत जो है 1100 रुपये का वो कैसे कम होगा। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी इसी के लिए न्याय यात्रा निकाले हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी। जनता को न्याय चाहिए और कांग्रेस पार्टी सबको न्याय दिलाएगी। कांग्रेस भवन में भागलपुर जिला ओबीसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें पार्टी के महिला और पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने स्वर्ग कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसको लेकर कांग्रेस ओबीसी के प्रदेश प्रतिनिधि राजेश रंजन ने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर पूरे देशवासियों के लिए एक मिसाल थे, ये नेता के साथ शिक्षक भी थे। आगे उन्होंने कहा कि स्वर्गीय ठाकुर बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री भी बने और इनका कार्यकाल इतना बढ़िया रहा, इसीलिए इनको जननायक की उपाधि भी दिया गया था। 101वां जन्म दिवस है और ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, छवि उनकी बहुत ही विशाल है। वो एक राजनीतिज्ञ भी थे, शिक्षक भी थे और समाजसेवी भी थे, इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वो देश के, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री जो कि दूसरा बार बने थे और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनकी लोकप्रियता ये कहती है कि उसके लिए उन्हें जननायक की उपाधि दी गई, उन्हें जननायक कह के संबोधित किया गया, जिसे आज भी जननायक का उपाधि के साथ साथ उनका नाम लिया जाता है कि भाई अगर कर्पूरी ठाकुर जी हैं तो वो जननायक हैं। इसलिए पूरे बिहार उसको बहुत दिल से, हृदय से
आभार व्यक्त करती है कि वो हमारे देश हमारे बिहार के अच्छे नेतृत्व करता थे। भारत रत्न घोषित किया गया सामने कर। ये बहुत अच्छी बात है, अगर भारत रत्न दिया गया है तो इसे सम्मान करना चाहिए, वैसे व्यक्तित्व थे कि उन्हें मिलना चाहिए। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। बुधवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद द्वारा नाटक परंपरा के जाल में की प्रस्तुति सेंडिस कंपाउंड भागलपुर तथा खैरपुर, खरीक एवं ननहकार राघोपुर गांव में की गई। बाल विवाह के विभिन्न दुष्परिणामों को दर्शाते इस नाटक ने ये संदेश भी दिया कि बाल विवाह किस प्रकार लड़कियों से बराबरी और विकास के अवसर छीन लेता है। ये नाटक बाल विवाह के सांस्कृतिक कारणों की पड़ताल करने और उस पर प्रहार करने में सफल रहा। नाटक का लेखन और निर्देशन विक्रम ने किया। नाटक में प्रमुख रूप से सन्नी, प्रभाष, मनीषा, स्वीटी, सत्यम, राजू तथा दिव्या मणि ने भूमिका निभाई। नाट्य प्रस्तुति के दौरान संवाद का आयोजन भी किया गया। संवाद को संबोधित करते हुए संवेद के निदेशक विक्रम ने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति ही नहीं लड़कियों के प्रति की जाने वाली हिंसा है। देश भर में सर्वाधिक बाल विवाह के मामले वाले राज्यों में बिहार शीर्ष पर है। उन्होंने इसे रोकने के लिए ग्रामीण समुदाय से समन्वित प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया। इस अवसर पर सुनील दास, प्रधान अध्यापक, सुभाष चंद्र गुप्ता, शिक्षक अजीत आनंद, कृष्ण मुरारी, राहुल, शशि भूषण दास आदि उपस्थित थे। भागलपुर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका सम्मान उत्सव समारोह भागलपुर के कला केंद्र में समग्र सेवा के द्वारा मनाया गया, जिसमें छात्राओं के साथ अभिभावक भी मौजूद थे, जिसमें सम्मान समारोह में 10 बच्चों को सम्मान भी दिया गया। समग्र सेवा के शशि ने बताया कि आज वैसे 10 छात्रों को सम्मान दिया गया जो शिक्षा पाने में असमर्थ हैं, आगे भी समग्र सेवा के द्वारा बच्चों को इस तरह का सम्मान दिया जाएगा। जी जी, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग बालिका शिक्षा सम्मान उत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं समग्र सेवा के द्वारा। इसमें है क्या कि वैसे बच्चियों को हम लोग 10 बच्चियों को सम्मान करेंगे जो विषम परिस्थिति में पढ़ाई किए हैं, या फिर मैंने शिक्षा के, मैंने कहा जाए तो चीज़ों के अभाव में वो पढ़ाई किए हैं और जाकर के कहीं ना कहीं वो मैट्रिक या मैट्रिक से ऊपर की पढ़ाई पूरा कर पाई हैं। तातारपुर थाना क्षेत्र में गले में फंदे डालकर एक छात्र ने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतक युवक मैट्रिक का परीक्षार्थी था। इस मामले को लेकर मृतक युवक के भाई आयुष ने बताया कि आज सुबह हम ट्यूशन पढ़ने गए थे और वापस आए तो कमरे का दरवाजा बंद दिखा, उसके बाद जब धक्का मारकर दरवाजा खोला तो देखा मेरा छोटा भाई फंदे से लटका हुआ है। इसके बाद घटना की सूचना ततारपुर थाना पुलिस को दिए और पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई है। क्लास गए थे, क्लास से होने के बाद ढक ढक आए तो नहीं खोल रहा था, धक्का मारने के बाद देखे तो अति किया हुआ है कुछ नहीं। कभी 3 दिन पहले आया था, अति 10th का परीक्षा था, सेंटर इधर पढ़ा था, बोला था रहेंगे आप ही के पास। कोई टेंशन था नहीं? कोई टेंशन नहीं।